तो आइए एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश की सरकार नोट छाप के गरीब लोगों को अमीर करने की कोशिश करती है तो क्या होगा। तो इस सिचुएशन में हमारे देश के अंदर मौजूद गुड्स या सामान जितने थे उतने ही रहेंगे, उनकी क्वांटिटी नहीं बढ़ेगी, मगर उसके कंपेरिजन में हमारे देश में नोट बढ़ते जाएंगे, जिसके बाद होगा ये कि जिस रेशियो से हमारे देश में पैसा या नोट बढ़ेगा उसी रेशियो से हमारे देश के अंदर मौजूद सभी सामानों की कीमत भी बढ़ते जाएगी। और इस बेकार से आइडिया का इस्तेमाल लैटिन अमेरिका में मौजूद एक देश जिसका नाम वेनेजुएला है, उसकी सरकार ने अपनाया, जिसके बाद उन्होंने खूब नोट छापा। और फिलहाल वेनेजुएला के लोगों की हालत ऐसी हो गई है कि आइसक्रीम और ब्रेड खरीदने के लिए भी उन्हें बैग और झोले में पैसे भर के ले जाने पड़ते हैं। और फिलहाल आपको भी ये बात पता चल गई होगी कि नोट छाप के लोगों को अमीर करने का तरीका बिल्कुल ही बेकार है।